इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और पश्चिम बंगाल की लड़ाई अब राजधानी दिल्ली तक पहुंच गई। कल देर शाम राज्यपाल जगदीप धनखड़ दिल्ली पहुंचे। सीएम ममता बनर्जी से टकराव और राज्य में हिंसा की घटनाओं को लेकर आज वो केंद्रीय गृह मंत्री और अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। धनखड़ 18 जून को वापस कोलकाता लौटेंगे। इन तीनों दिनों के दौरे पर वो राज्य के हालात और कई मुद्दों पर अपनी रिपोर्ट भी पेश कर सकते हैं। तो राज्यपाल धनखड़ आज दिल्ली में होंगे, उनकी अमित शाह से मुलाकात होनी है। राज्यपाल धनखड़ दिल्ली पहुंचेंगे, सीएम ममता बनर्जी से टकराव और राज्य में हिंसा की घटनाओं को लेकर वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। 18 जून को वापस वो कोलकाता लौटेंगे, यानी तीन दिन वो दिल्ली में रहेंगे और इस दौरान राज्य के हालात और भी कई मुद्दों पर वो अपनी रिपोर्ट भी दे सकते हैं। और इस बीच राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी से राज्य में चुनाव बाद अल्पसंख्यक समुदाय पर हुई हिंसा पर 21 दिन के अंदर रिपोर्ट देने को कहा है। चुनाव बाद हुई हिंसा को लेकर बीजेपी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल से मुलाकात की। उसके बाद राज्यपाल ने एतराज जताते हुए कहा कि राज्य में हिंसा का तांडव चल रहा है, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। इसीलिए राज्यपाल ने सीएम ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी और इसे मीडिया के लिए भी जारी कर दिया। उसके बाद से राज्यपाल और ममता बनर्जी के बीच खटास बढ़ गई है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि राज्यपाल ने सीएम ममता बनर्जी को क्या चिट्ठी लिखी। राज्यपाल ने लिखा, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा की गंभीर स्थिति, भारी पलायन और करोड़ों की संपत्ति के नुकसान के बावजूद आपकी तरफ से केवल चुप्पी है और आपने कैबिनेट की अब तक किसी भी बैठक में इस गंभीर मुद्दे पर विचार विमर्श करना भी जरूरी नहीं समझा। चुनाव के बाद हुए नरसंहार का एक चिंताजनक आधार उन लोगों में भय पैदा करना है जिन्होंने सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ मतदान करने का साहस किया। मुख्यमंत्री मैडम, आप सहमत होंगी कि ऐसा दृश्य लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी लगता है। लोकतंत्र में वोट के अधिकार का प्रयोग करने के लिए लोगों को कैसे परेशान किया जा सकता है? हमें खून से लथपथ बंगाल नहीं चाहिए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।